में जहां पर एक जेसीबी ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जहां पर टोल मांगने पर वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और इस जेसीबी के ड्राइवर ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उसके बाद भी वहां पर जमकर बवाल काटा। आपको दिखाते हैं तस्वीर इस रिपोर्ट में। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। एक बुलडोजर ड्राइवर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर रहा है। वो टोल बूथ को बुरी तरह से तबाह करने पर तुला है। उसने टोल बूथ को करीब करीब तबाह कर दिया है। वो बड़े आराम से टोल प्लाजा पर बुलडोजर को खड़ा कर तोड़फोड़ मचा रहा है। टोल बूथ को बर्बाद करने के बाद वो रुक जाता है। अब आप मौके पर मौजूद चश्मदीद को सुनिए। टोल ना देने के चक्कर में जैसे ही वाले ने बूथ का ऐतिहासिक कर दिया है, दोनों बूथ तोड़ दिया है। नुकसान कर दिया टोल ना देने के कारण। यह गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP14KT4245। उसके बाद जब टोल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ा तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कई मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा करते हैं। जेसीबी ड्राइवर भागते हुए अचानक जेसीबी को रोक देता है, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो जाता है। वो लोगों पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद लोग भाग खड़े होते हैं। जेसीबी ड्राइवर बाइक को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी उसका पीछा शुरू करते हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। जेसीबी वाला आताताही ड्राइवर अब पुलिस के कब्जे में है और पुलिस ने उसका क्या हाल किया वो भी देख लीजिए। भाई साहब थाने में घुटनों के बल बैठे हुए नजर आए। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर एक जेसीबी ड्राइवर से जब टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो उसने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ मचा दी। भाग रहे चालक ने कई लोगों पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।